नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। आज मैं आपका ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरफ खींचने वाला हूँ। आप में से सब लोग शेफ जेमी ओलिवर को जानते होंगे, जो कि बहुत ही फेमस शेफ है, हर कोई उन्हें जानता है। आपने उनके टीवी शोज देखे होंगे टीएलसी वगैरह पे, और वो एक यूके के बहुत ही रिनाउंड शेफ हैं, बहुत ही फेमस शेफ हैं। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगर आप टॉप 10 रिचेस्ट शेफ में भी देखेंगे, उनका नाम भी आता है। पर मैं यहाँ उनकी बात क्यों कर रहा हूँ, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, जिसके थ्रू वो हम सबको, पूरी दुनिया वालों को अवेयर करना चाहते थे वोंकी वेजिटेबल्स के लिए। अब ये वोंकी वेजिटेबल्स है क्या? वोंकी वेजिटेबल्स को हम लोग अगली प्रोड्यूस भी बोलते हैं, अगली वेजिटेबल्स भी बोलते हैं, अगली फ्रूट्स भी बोल सकते हैं, या एक कॉमन मैं इंडियन लैंग्वेज में बोलूं, ऐसी सब्जियां, ऐसा उत्पादन जो देखने में गंदा दिखता है। गंदा देखने का मेरा मतलब है कि आप सब्जियों की ऐसी शेप्स जो कि अनकॉमन होती है, आलू कहीं से बड़ा होगा, कहीं से छोटा होगा, टमाटर में एक से दूसरा निकला होगा, आपको उसमें किसी में ह्यूमन की शेप नज़र आएगी, किसी में एनिमल की शेप नज़र आएगी, और आप लोग ऐसी सब्जियां नहीं खरीदते हैं। जी हां, आप भी सोच के देख सकते हैं, हो सकता है आप लोगों को आज तक किसी ने यह बोला ही नहीं हो कि अगली प्रोड्यूस या अगली वेजिटेबल्स या वोंकी वेजिटेबल्स भी कुछ होती है। कुछ समय पहले एक मैंने भी आर्टिकल लिखा था, आज से 2 साल पहले, इंडियन कलरी फॉर्म के लिए, जहाँ पे मैं उनकी मैगजीन्स के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता कि था कि अगली प्रोड्यूस नाम की भी कुछ चीज़ होती है, और हमें ये सब चीज़ें अपने जो आने वाले लोग हैं या जो लोग जिन्हें पता नहीं है उनको बतानी है, ताकि वो ऐसी सब्जियों का यूज़ करना शुरू करे। क्योंकि जो किसान है वो हमें या तो हमें ऐसी सब्जियाँ भेजता ही नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो भेजेगा हम लोग लेंगे ही नहीं। अगर हम चाहें तो हम ऐसी सब्जियों के लिए भी मार्केट लगा सकते हैं, किसानों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि आप ऐसी सब्जियाँ भी भेजें ताकि हम इन्हें भी खरीद पाएं। लगभग अगर हमारे पास, अगर मेरे पास कोई ऐसा डाटा भी नहीं है, इवन अगर आप गूगल में कहीं पे भी सर्च मारेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा डाटा नहीं मिलेगा कि इस प्रकार की सब्जियां कितनी ज्यादा खराब होती है हमारे देश में, या ऐसी सब्जियां जो कि हम लोग कॉमन सब्जियों के साथ उगाते हैं, फिर उन्हें हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं और उसके बाद उनको फेंक देते हैं। कोई ऐसा डाटा भी नहीं है, क्योंकि कभी कोई इस तरीके से इनके बारे में सोचता भी नहीं है। अब जो ये सब्जियां होती हैं वो जाती हैं हमारे नालों में, हमारे गटर के अंदर, या फिर अगर कुछ बच भी जाती हैं जो कि थोड़ी अच्छी दिखती हैं देखने में, सब्जी मंडियों में चली जाती हैं, उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों पे वो सब्जियां मिलती हैं। पर एक्चुअल में बात करें, इन सब्जियों में कोई भी खराबी नहीं होती है, इनका टेस्ट भी वैसा होता है कॉमन सब्जियों की तरह, इनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, आप जो भी इसमें बोलना चाहें, हमारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, जो भी कुछ बोलना चाहें, जो भी हमें सब्जियों से मिलता है, वो सारा का सारा इनके अंदर रहता है, जैसे कि हमारी बाकी सब्जियों के अंदर रहता है। पर ऐसी सब्जियों की कोई भी मांग नहीं है, अगर ऐसी सब्जियों की कोई मांग नहीं हो रही है तो किसानों के लिए भी ये वेस्टेज है, क्योंकि अगर वो ऐसी सब्जियां भेजेंगे तो उनको उगाने में तो उनका इसमें समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, इवन जब वो लोगों को भेजेंगे तो उनका इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जाएगा, और जो कि बाद में वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग भी उन्हें फेंक देते हैं। हम भी जब भी, अगर आप देखेंगे, हम लोग सब बाजार में जाते हैं सब्जियां लेने, तो हम लोग अच्छी अच्छी शेप्स की, अच्छी अच्छी साइज की सब्जियां उठाते हैं, बाकी सब्जियों को हम लोग सोचते हैं कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये देखने में खराब दिख रही है। पर हमें यहां पे भी इंसानों की तरह रंग रूप, देश भाषा में कोई हमें कोई भी किसी तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए। सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, उनका टेस्ट सेम ही होता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को यहां पे अवेयर करना चाहता हूं, अगली प्रोड्यूस या आप अगली वेजिटेबल बोल दीजिए, अगली फ्रूट्स बोल दीजिए, वोंकी वेजिटेबल्स के बोल दीजिए, कि आप ऐसे प्रोड्यूस को खरीदना शुरू करें, ताकि जो किसान इनको आज तक फेंक रहा है या बहुत ही कम मात्रा में आप लोगों को सप्लाई कर रहा है सब्जी मंडियों के द्वारा, वो इन्हें आपके पास भेजे, क्योंकि इनका तो जो दाम होता है एक्चुअल में देखे बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमारे लिए, किसान के लिए भी बेकार है और हम लोग तो लेते ही नहीं है। अगर किसान तब भी हमारे पास भेजेगा तो हमें ये सस्ते दामों में मिलेगी, और इस समय की करंट सिचुएशन देखें तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कम से कम पैसा लगाएं अपने खाने पीने की चीज़ों पर, इवन इसेंशियल चीज़ें भी हैं। तो यही अगर हम लोग मैसेज लोगों तक पास कर पाएंगे, लोगों को इस बारे में बता पाएंगे कि भैया जो खराब सब्जियां हैं, देखने में गंदी भी दिखती हैं, उनके शेप साइज अलग अलग निकले पड़े रहते हैं, पर वो खाने में उतनी ही न्यूट्रिशियस हैं जितनी की बाकी सब्जियां होती हैं।
उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी ये छोटी सी पहल यहाँ पे काम आएगी और आप इस वीडियो को एज अवेयरनेस वीडियो चारों तरफ फैलाएंगे ताकि लोगों को अगली प्रोड्यूस के बारे में पता चले और वो ऐसी सब्जियों का ऐसे उत्पादन का यूज़ करना शुरू करे। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो आप मुझे नीचे लिख देना। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते थे या नहीं भी जानते तो प्लीज़ मुझे अपने रिएक्शंस नीचे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे और भी आगे सोशल कॉज पे वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।